जब आप कोई कार या बाइक खरीदने जाते हैं तो आपको एक मैंडेटरी और कंपलसरी चार्ज देना होता है जिसका नाम है इंश्योरेंस। अब आप आग बंद करके वो ही इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं जो आपके कार या बाइक या व्हीकल के डीलर ने आपके लिए सजेस्ट किया है, बिना जाने कि मार्केट में काफी टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल हैं जो आपके लिए और किफायती और बेटर कवरेजेस प्रोवाइड करते हैं। अब इंश्योरेंस में ज्यादा टाइप के पॉलिसीज नहीं है, सिर्फ तीन टाइप के हैं। पहला थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा ओनर डैमेज पॉलिसी और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, तीसरा पे एज पर यूसेज पॉलिसी। सो आज के वीडियो में हम तीनों टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को कवर करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि इनके क्या क्या फायदे होते हैं। मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हो कार बाइक 360। शुरुआत करते हैं पहले टाइप से जिसका नाम है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी थर्ड पार्टी है क्या, मान लीजिए आप एक गाड़ी ओन करते हैं, गाड़ी या बाइक ओन करते हैं, तो आप हो गए फर्स्ट पार्टी। आपने किसी एक्स वाई जेड कंपनी से इस इंश्योरेंस को खरीदा है तो वो कंपनी हो गई सेकेंड पार्टी। अब फॉर एग्जाम्पल आप अपनी गाड़ी या बाइक चला रहे हैं और खुदा ना खास्ता आपका किसी दूसरी गाड़ी या बाइक के साथ एक्सीडेंट हो जाए, तो जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है उसको कहेंगे थर्ड पार्टी। अब ये जो पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने वाले व्हीकल के साथ जो आपका एक्सीडेंट हुआ है उसी के डैमेज को कवर करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी गाड़ी या बाइक पे कुछ भी ज्यादा डैमेज हुआ है, डेंट वगैरह पड़ गया है, वो प्लस उसमें जितने पैसेंजर है, जैसे ड्राइवर हो गया या तो जितने भी पैसेंजर उस गाड़ी या बाइक में बैठे हुए हैं, उनके डैमेज को ही कवर करेगी। थर्ड पार्टी पॉलिसी आपके व्हीकल और आपकी बॉडी या आपके साथ बैठने वाले पैसेंजर्स की बॉडी के डैमेज को कवर नहीं करेगी। और एक चीज का जानना जरूरी है कि जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है उसके पास भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा ही होगा, क्योंकि इंडिया में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी सारे व्हीकल्स के लिए कंपलसरी एंड मैंडेटरी है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस पे, इसका नाम है ओनर डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये टाइप की पॉलिसी, जैसे मान लीजिए मैंने जो एग्जांपल यूज किया है, आपका किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए तो थर्ड पार्टी ने तो सामने वाले के सारे डैमेजेस को कवर कर ही लिया है। ये वाली पॉलिसी आपके व्हीकल और आपको या तो आपके पैसेंजर्स को जो डैमेज हुआ है उसको कवर करती है और आप अपने ऊपर जो डैमेज हुआ है उसको क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। इन डैमेजेस के साथ साथ मान लीजिए आपकी गाड़ी में आग लग गई है या तो किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से आपकी गाड़ी डैमेज हुई है, किसी फ्लड, सुनामी या अर्थक्वेक या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, प्लस आपकी गाड़ी अगर चोरी भी हो गई है, तो ओनर डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी इन सबको कवर करता है। नाउ जब आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी और ओनर डैमेज पॉलिसी को कंबाइन करते हैं उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। अब जाहिर सी बात है जब आपको ज्यादा कवरेज मिल रहा है तो आपको ज्यादा प्रीमियम भी भरना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप सारे डिटेल्स और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और सारे एड ऑन्स जो एड किए हैं ओनर डैमेज में उनको अच्छे से स्टडी करें, सारे प्राइसेस को कंपेयर करें और फिर एक इंश्योरेंस खरीदें। आगे बढ़ते हैं तीसरे और फाइनल टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे जिसका नाम है पे एज पर यूसेज। अब ये पॉलिसी काफी नई है मार्केट में और इसका जन्म हुआ था पैंडेमिक पर, तो काफी सारे कार ओनर एंड व्हीकल ओनर्स ने कंप्लेन की थी कि अब पैंडेमिक में जाहिर सी बात है लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे और घर से बाहर नहीं निकले तो उन्होंने अपने व्हीकल भी नहीं चलाई है। सो उन्होंने ये एक कंप्लेन की थी, एक क्वेश्चन रेज किया था कि जब उन्होंने पूरे साल गाड़ी चलाई ही नहीं है तो वो उतना ही प्रीमियम क्यों भरे। अब ये पॉलिसी कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ही प्रोवाइड करती हैं, सो मेक श्योर आप अपनी सर्च करें कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज या ऑनलाइन मार्केट में कहां कहां पर ये वाली पे एज पर यूसेज पॉलिसी अवेलेबल है। इस पॉलिसी में काफी टर्म्स एंड कंडीशंस भी इंक्लूडेड है फॉर ऑब्वियस रीजंस। जैसे आप डिसाइड करते हैं कि आप पूरे साल भर अपनी गाड़ी या बाइक को सिर्फ 10,000 किलोमीटर ही चलाने वाले हैं तो आपकी गाड़ी या बाइक उस 10,000 किलोमीटर के लिए ही कवर्ड है, इंश्योर्ड है। सो मेक श्योर आप इस पॉलिसी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ें और फिर अपना डिसीजन लें। यू कैन ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कोई पर्टिकुलर इंश्योरेंस या स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसी
टर्म या कंडीशन या तो कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक कवर करवाना है हमसे, वी विल ट्राई टू मेक अ कंटेंट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन पैच. थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई रियली होप यू लाइक दैट. एंड इफ नॉट, और अगर आपके पास कोई फीडबैक है सो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एज वेल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. जो भी कोई नई गाड़ी या इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जा रहा है उससे पहले उसको ये काफी मदद आएगी.